मैं हूँ आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। सलमान खान की अरिजीत सिंह से नाराजगी जग जाहिर है। साल 2016 में अरिजीत ने फेसबुक पर सलमान खान से सुल्तान में अपने गाए हुए गाने जग घूमिया को फिल्म में रखने की गुजारिश की थी, लेकिन सलमान खान नहीं माने और फिल्म से अरिजीत का वर्जन हटा दिया गया था। इसके बाद सिंगर ने माफी मांगी और फैंस को लगा मामला ठंडा हो गया, लेकिन सलमान का गुस्सा अब तक ठंडा नहीं पड़ा है। उन्होंने एक बार फिर से फिल्म के गाने से अरिजीत की आवाज को बाहर का रास्ता दिखा दिया। खबरों की माने तो सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म वेलकम टू न्यूयॉर्क में सलमान ने एक कैमियो किया है, लेकिन इस रोल को इस शर्त पर किया कि फिल्म में अरिजीत का गाना नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि इस फिल्म में गाना पिछले दिनों अरिजीत की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन सलमान की नाराजगी के बाद उसे राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में रिकॉर्ड किया गया। वेलकम टू न्यूयॉर्क के इसी गाने पर बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रिया ने भी नाराजगी जताते हुए कहा था कि पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगाए जाने के मुद्दे को उठाया है। बाबुल सुप्रिया ने कहा कि पाकिस्तानी कलाकारों का पाकिस्तानी होना ही उनका अपराध है, इसलिए उनसे बॉलीवुड को किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहिए। उन्होंने निर्माताओं से फिल्म के गाने इश्तिहार को हटाने या फिर किसी भारतीय सिंगर की आवाज में गाने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि इसी गाने को हमारे भारतीय कलाकार अरिजीत सिंह बेहतर तरीके से पेश कर सकते थे, ऐसे में पाकिस्तानी कलाकारों की जरूरत क्यों है। आपको बता दें कि अभिनेता सलमान ने फिल्म टाइगर जिंदा है के दिल दिया गल्ला गाने से अरिजीत सिंह की आवाज़ हटवाकर आतिफ असलम की आवाज़ में डब किया था। आपको बता दें कि पिछले दिनों अरिजीत ने सलमान से जुड़ी खबरों का खंडन करते हुए कहा था कि मैं सलमान के लिए जल्द गाना गाऊंगा, लेकिन सलमान की नाराजगी अब तक बनी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।